नमस्ते जी। और आप लोग कैसे हैं? तो बहुत अच्छी वाली क्लैपिंग हो जाए। सुनो, कल मैं सेंटर में गया था तो मैंने वहाँ पे जब स्पेशल थेरेपी के बारे में बताया, ईएनएस और ईएमएस के बारे में, थोड़ी देर के बाद में 15-20 मिनट के बाद एक आंटी खड़ी होती है बीच में से, बोलती है सर ईएमएस जो है ना बहुत अच्छी चीज है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड की ना घर में रोज लड़ाई होती है, शाम को किसी न किसी बात पे बहस हो जाती है, तो वो हमेशा चिक 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 करते रहते हैं, तो मतलब उनका दिमाग बहुत गर्म रहता है, जब भी कई बार गर्म हो जाता है, तो क्या मैं इस ईएमएस को यहाँ लगा सकती हूँ? सुखी कितने लोग रहना चाहते हैं? सब रहना चाहते हैं, पर सुखी है कौन? जैसे कुछ दिन पहले मैंने बताया था ना, इंसान अपने लाइफ में हम जो भी करते हैं उन सब काम करने का एक ही मकसद है, खुश होना। वजह सबकी अलग अलग है, कोई बीमार है, किसी को परिवार की टेंशन है, किसी को जो है कर्जे की टेंशन है, किसी को अपने फ्यूचर की टेंशन है, तो अलग अलग तरीके से तनाव में लोग रहते हैं, जिसकी वजह से सुखी तो रहना चाहते हैं, पर हम सब चाहते हैं हम सुखी रहें, पर कहीं ना कहीं इन चीज़ों में हम उलझ गए हैं। जो संतुष्ट नहीं है अपने आप से या किसी भी चीज़ से, वो हमेशा दुख में ही जीवन बिताता है। तीन प्रोसेस है हमारी बॉडी का, ये सब लोग मानते हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनके पास भी जाएंगे वो भी बोलेंगे अच्छी नींद लो, अच्छा खाना खाओ, भूख लगे और पेट भी साफ होना चाहिए। पहला क्या है? खाना। दूसरा क्या है? सोना। तीसरा क्या है? निकालना। ये तीन चीजें अच्छी रहनी चाहिए बॉडी पे। ध्यान ना रख पाने की वजह से गलत खान पान कर दिया, केयर नहीं करी, बाद में प्रॉब्लम बढ़ गई, और जब प्रॉब्लम बढ़ती है तो हर तरीके से लॉस होता है, फिर हर तरीके से। अगर ऐसी बीमारी बढ़ गई, चाहे कोई भी बीमारी बढ़ेगी, तो पहला नुकसान किसका है? नहीं, मेरे को ना कई लोग क्या बोलते हैं बता, मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ और मेरे को सारी दवाइयाँ एमएस से मिलती हैं। ज़्यादा लोग ऐसे ही मिलते हैं मेरे को, दवाई और ऑपरेशन एमएस से हो रहा है, अगर वो बीमारी बढ़ रही है तो नुकसान किसको हो रहा है? बीमारी बढ़ने से पहला नुकसान हमारी बॉडी का है, दूसरा नुकसान हमारे पैसे का है, और फिर मरता क्या नहीं करता, ये तो आपने सपने ही सुना होगा। जब बीमार होता है ना व्यक्ति, पहला फोकस उसका रहता है यार मैं ठीक हो जाऊंगा ना, उसके बाद देख लूंगा मैं फिर जो भी होगा। जब इंसान स्वस्थ होता है तो वो ये सोचते हैं कि अभी तो मैं स्वस्थ हूँ, जब बीमारी आएगी तब देखेंगे हम बाद में। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे खान पान, रहन सहन, अलग अलग चीज़ों की वजह से, लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से, अलग अलग बीमारियां शरीर पे अपना घर बना लेती हैं। एक अंकल जी के घर पे गया, उन्होंने अपनी मतलब फ़ोटो की जो वो रखते हैं ना संभाल के, उन्होंने दिखाई कि पहले मेरी फ़ोटो ऐसी थी, ऐसे ऐसे बताते बताते उनके आंखों में आंसू आ गए, फ़ोटो देखते हुए अपने बचपन की। कह रहे हैं मैं जब जॉब करता था मुझे जो है 20 रुपये तनख्वाह मिलती थी उस ज़माने में, और जब मैं रिटायर हुआ तब मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये थी। तो उस जमाने से लेकर फ्लैशबैक में चले गए वो, एकदम फ्लैशबैक। सब लोग अपनी एक फ़ोटो जो है घर पे जाके देखना कि जब आप उस उम्र में थे आपको कौन सी दिक्कतें थी, क्या क्या शरीर था, सही है, क्या हेयर स्टाइल था, क्या बात करने का तरीका था। क्या होता है ना कहीं कभार जिंदगी को पुरानी चीज़ों को देख करके इंसान को आगे जीने की ख्वाहिश बढ़ जाती है इंसान की। या अगर कोई बीमार हो गए आज, वो पुरानी तस्वीर देखेंगे ना, एक जोश आता है कि यार नहीं मैं ठीक हूँ, अभी भी ठीक हो सकता हूँ मैं। एक आंटी ने बोला मुझे जो है पतला होना है सेंटर पे, कौन सी मशीन है उसके लिए जो मुझे पतला बना दें। मैंने कहा, उनका वजन थोड़ा ज़्यादा था, तो मैंने उनसे पूछा क्या आप जवानी में सच में पतले थे? तो बोली थी आपको नहीं पता मैं इतनी पतली थी, स्कूल कॉलेज में जब जाती थी तो इतने मतलब स्मार्ट थी मैं, आज मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, तो मुझे फिर से वैसे ही होना है, हो पाएंगे? आप कितना भी मॉर्निंग इवनिंग वॉक कर लो, इतना कुछ कर रहे हैं, दवा खा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, यहाँ सेंटर पर आ रहे हैं, अलग से मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तब भी ये स्थिति है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल चेंज हो गई, लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है शरीर के ऊपर। इसलिए ना हर व्यक्ति मोटा है आज के डेट में, हर व्यक्ति मुझे छोड़ के, सही है। अच्छा, ताली बजाओ उनके लिए।
मोटापा ही बीमारियों की जड़ है। वो जो लोग मोटे हैं वो ज्यादा खाते हैं इसलिए मोटे हो गए ऐसा नहीं है, और जो पतले हैं वो बिल्कुल नहीं खाते हैं ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ जैसे लोगों का आज भी शौक है पेट को पालना, जिसके पास ये नहीं है ना लोग उसे बोलते हैं बीमार हो गए हो आप। कुछ समय पहले तक लोग मुझे भी ऐसा बोलते थे कि क्या हो गया है इतने पतले हो खाना नहीं खाते हो क्या। जब मैं पतले होने के बारे में बताता हूँ ना लोगों को नींद नहीं आती रात में, कई मोटे लोगों को कि मुझे बनना है अब पतला। तो सुंदर सब दिखना चाहते हैं, स्मार्ट सब दिखना चाहते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग माताजी आई थी, दादी, बहुत पहले की बात है, वहां बैठी हुई थी कुर्सी पे, बिल्कुल चकाचक बन करके आई थी, स्मार्ट सुंदर बाल वाल सब सेट करके। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात है आंटी जी, थेरेपी लेकर के बहुत जो है स्मार्ट हो गई हो चार दिन में ही। तो कह रही नहीं नहीं थेरेपी से स्मार्ट नहीं हूँ, बगल में शर्मा जी के यहाँ शादी थी तो मैं ब्यूटी पार्लर से होके आई हूँ अभी। सुंदर भी देखें, हमारे बाल भी काले रहे और हम पतले भी रहे, सब चाहते हैं, पर चाह करके भी वो हमें मिल नहीं पा रहा है। जब आपकी शादी हुई थी तब आप मोटे थे या पतले थे? तब आप मोटे होंगे ना या पतले ही थे? ऐसे ही थे। कितने लोग पतले थे उस टाइम पे? ठीक ठाक थे पतले। और अभी कितने लोगों को लगता है कि वो मोटे हो गए हैं? आपको लगता है पेट मोटा होने की वजह से कमर की समस्याएं, हार्ट डिजीज, गर्दन की दिक्कतें लगातार बढ़ रही हैं, आप न्यूज में सुनते रहिए, घुटने खराब हो रहे हैं ओवरवेट की वजह से लोगों के। अपने आप को ना हमेशा स्लिम बना के रखिए। कितने लोग चाहते हैं स्लिम होना? कितने लोग चाहते हैं स्लिम? सब लोग चाहते हैं, हाथ तो उठाओ, सभी लोग हैं यहाँ तो, क्या बात है। हमारे भी कहीं ऐसे जानने वाले थे कोरोना काल में, वो अच्छा खासा अपना बिजनेस कर रहे थे, उम्र भी उनकी ज्यादा नहीं थी, पर कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना हुआ उनकी, तब तक सब कुछ अच्छा था, घर परिवार बिजनेस सब अच्छा था उनका, जैसे ही कोरोना हुआ उनकी डेथ हो गई। सब कुछ था जब तक वो थे और जैसे ही गए सब बर्बाद हो गया, घर भी बर्बाद, बिजनेस बर्बाद, सब बर्बाद। इसलिए अपने आप को फिट रखना जरूरी है। बीमारियां कौन सी हैं और वो कब बढ़ जाएंगी, कब बॉडी पे क्या नुकसान पहुंचा देंगे, आपको खुद को नहीं पता। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे अच्छे लोगों की नींद उड़ा देता है, चाहे वो कितना ही बड़ा करोड़पति लोग क्यों ना हो। अगर बोल दिया ना डॉक्टर्स ने कैंसर है लास्ट स्टेज में, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। सेंटर पर आने वाले लोगों की इस तरीके से हेल्प करना चाहते हैं कि वो अपने आप को ऐसी मशीनों का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज के माध्यम से फिट रखने की कोशिश करें। कल एक वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो में मैं देख रहा था हमारे एक महाराज जी हैं, आप देखिएगा उनके बारे में सर्च करके, अब वो ऐसे मुस्कुराते हुए रहते हैं, इतने खुश रहते हैं, उनको ना इतने खुश रहते हैं, मैं हमेशा उनकी जो है स्पीच सुनता हूँ लिया, उसमें उन्होंने बोला कि आप मेरे को जो मुस्कुराता हुआ देख रहे हैं ना, 18 साल से मेरी किडनी खराब है, मैं 18 साल से जो है मतलब वो 18 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। सोच के देखो, बोला जाता है कि जब किडनी की खराब होती है ना तो व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो व्यक्ति 18 सालों से बिल्कुल हंसते हुए मुस्कुराते हुए लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, उनको देख करके लोगों को जीने की तमन्ना बढ़ जाती है। क्या बीमारी हमारा दोस्त है? क्या बीमारी हमारी कि वो बॉडी में है तो वो सोचती नहीं आंटी तो अभी हंस रही है मुस्कुरा रही है कोई बात नहीं, मेरे जो बीपी है वो शांत बैठा हुआ है अभी ठीक है। और बाद में वो देखा कि आंटी जो है अब एज हो गई है 55-60 साल, अब बीपी जाग रहा है कि नहीं अब लग जाता हूँ ठीक है। ऐसा नहीं होता।